आज जिला पठानकोट और गुरदासपुर के सभी पावर काम के कर्मचारियों की ओर से पावर काम मैनेजमेंट और पंजाब सरकार के खिलाफ पठानकोट में बिजली घर के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने बिजली कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह ना मिलना, विभाग में नए मुलाजमों की भर्ती नहीं करना, समय पर प्रमोशन ना करनी, इस तरह की 29 मांगे थी जिस पर मैनेजमेंट आनाकानी करती आ रही है। प्रदर्शन कर रहे मुलाजमों ने बताया कि पिछली सरकार की ओर से मुलाजमों की कुछ मांगे मानी गई थी, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हो सकी। उसके चलते हम पिछले 5 महीने से संघर्ष करते आ रहे हैं, जिसको लेकर मैनेजमेंट की ओर से अभी हमें थोड़ा बहुत मांगों को मनाने का हुंगारा मिलता दिख रहा है, लेकिन हम इस प्रदर्शन के जरिए पंजाब सरकार और मैनेजमेंट को बता देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम अपना संघर्ष और तेज करें। बिजली मुलाजम एकता मंच के सदे से समुचे पंजाब पोल खोल रैलियां करने का फैसला किया। बिजली मुलाजमान पेमेंट ना मिलना, ग्रेड पे ना मिलना, समय सिर प्रमोशन ना होनी, नवी रगल भर्ती ना करनी, 28-29 मंगा ऐसा सी जिन्हें कि मुलाजम संबंध से, और मैनेजमेंट उन्होंने मंगा मनने की बजाय हर समय टाल टोल करती सी। उस दे विरोध में और बिजली मुलाजम मंगा मनाने लई बिजली एकता मंच पंजाब ने पिछले 5 महीनों तो यह रोसमई संघर्ष शुरू किया। इस तो पहला जी सरकार रही है बीजेपी अकाली दल 10-10.5 साल उन्होंने अपने सरकार के अंडर जो मुलाजम काम करते उन्होंने पे बैंड 11 दिसंबर तो देता, ग्रेड पे वरचे कर्मचारियों लागू ना करना, और पहले 17 साल तो वरचा RTM एलम ना बना, उन्होंने कट डेट में वाधा ना करना, खाली असामिया घटो घट बिजली बोर्ड के अंदर पावर काम 30,000 रुपया है हले, और नवी भर्ती ना करनी, रेगुलर भर्ती ना करनी, SSA इलम तो SSA बने उन्होंने ग्रेड पे ना देना, उन्हें स्नैट लिस्ट ना बनानी, कहने तो भाव के जिन्हें 29 मंगा सी उन्होंने जी मीटिंग ना करन करके सानू ये रोस रैलियां करनी पी। जी कवल रंधावा, दिव्या पंजाब TV, पठानकोट।